ये जो पेड़ है ये उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाने वाला पेड़ है, जहाँ पर इसको शैतान का पेड़ या अंग्रेजी में इसको डेविल्स ट्री के नाम से जाना जाता है। एक इसका दूसरा नाम ब्लैकबोर्ड ट्री भी है और बायोलॉजिकल नेम इसको अल्स्टोनिया ट्री के नाम से इसको जाना जाता है। इस पेड़ के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसका जो पोलिनेशन होता है वो पोलिनेशन भारी मात्रा के अंदर होता है, फूल भी इसके अंदर भारी मात्रा में आते हैं और उस टाइम पर इसमें एलर्जिक कंटेंट्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से, और यहाँ पर शहरवासियों को दिक्कत ये है कि इसके नज़दीक में आने पर जो अस्थमा का जो पेशेंट है ख़ास तौर से, उसको अस्थमेटिक अटैक हो जाने की संभावना होती है। साथ में अगर आप इसके पेड़ के संपर्क में रहते हैं लगातार तो आपको गले की खराश, आँखों में जलन और सर्दी जुकाम की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। गंध जो रात के समय रहती है वो लगभग असहनीय होती है। इससे मेरी दुकान के ही सामने लगा हुआ है, शाम होते ही इसमें से इतनी गंध आती है कि नाक में जो है खुजली टाइप होती है, फिर नाक बहने लगती है और बहुत ज़्यादा छींके आती है, उससे अस्थमा की मुझे शिकायत है ना, नाक में बिल्कुल जो है खुजली टाइप होने लगती है। ये सच है कि इस मौसम में एलर्जी की समस्या से लोग ज़्यादा ग्रसित हैं, सर्दी जुकाम खांसी बुखार और विशेष रूप से जो दमा से पीड़ित पूर्व से ही मरीज हैं उनको ये तकलीफ ज़्यादा है। जहाँ तक ब्लैक बोल्ड ट्री का सवाल है, इस मौसम में उनसे कुछ खास तरह की खुशबू आती है और उनके परागकण जो तेज़ी से फैलते हैं बहुत कुछ, वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अभी तक तो इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आपने ये विषय संज्ञान में लाए हैं तो हम कृषि विज्ञान केंद्र के जो हमारे अधिकारी हैं वैज्ञानिक हैं उनसे इस संबंध में पत्राचार करके आगे जो भी जनता के हित में निर्णय होगा वो लेंगे।